तो हाँ भाई करें शुरू। तो सब कुछ हरा हरा हो गया है, हम हरे पत्ते भी लपेट कर आए हैं गर्दन के अंदर। भाई यार यहाँ पर मेरा आज मन कर रहा है वनीला आइसक्रीम खाने का। अब इसी से समझ जाओ भाई हम बात करने वाले एंड्रॉइड 15 की। इसका बीटा वर्जन 2 हमने अपने गूगल पिक्सल के अंदर भाई यूज कराया पूरे 2 दिन, और यहाँ पर इतने कमाल कमाल के फीचर है ना, जैसे कि आपके फोन को चोरी होने से बचा लेगा, आपके फोन की एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिलीट होने वाली है, यहाँ तक कि आप अपने फोन को 4K वेबकैम की तरह भी यूज कर सकते हो। तो इन सारी चीजों की बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले बता दूं, इन फीचर के अलावा भी AI पर काफी ज्यादा फोकस करा है गूगल ने, और सिर्फ गूगल नहीं हर एक कंपनी, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, गूगल, हर कोई AI पर मतलब AI पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनका तीनों का एक कंपैरिजन वीडियो लाते हैं। आपको चाहिए नहीं कमेंट में बता सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला फीचर काफी लोगों के काम आने वाला है, और भाई ये है प्राइवेट स्पेस। जैसे कि सैमसंग के अंदर मिलता है ना, तो आपके फोन में कोई बच्चा अगर काफी ज्यादा गेम खेलता है, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसे आपको हाइड करके रखना है, तो ये प्राइवेट स्पेस काफी काम का है। आप इसके अंदर सिंपली उसे हाइड कर सकते हो, और यही नहीं भी और सुनिए, इस स्पेस का आप अलग से भाई फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हो, फेस आईडी यूज कर सकते हो, अलग पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। और इसे एसेस करने के लिए आपको ऐप ड्रॉअर के एंड में जाना है, वहां पर आपको प्राइवेट स्पेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एसेस किया जा सकता है। और अगर आपका बच्चा इतना स्मार्ट है कि वहां से भी पता लगा लेगा, तो आप सेटिंग में इसे भी जाकर डिसेबल कर सकते हो। फिर सर्च बार में जब आप प्राइवेट स्पेस डालोगे, जब भी आपको एक फोल्डर मिलेगा, फिर आप उसे अनलॉक करके अपने अद्भुत पिटारे में से सामान निकाल के भाई यूज कर सकते हो। अब अगर आप NCR जैसी जगह पर रहते हो ना, तो ये वाला सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर आपके काफी काम आने वाला, मगर क्यों? और ये है एंटी थेफ्ट फीचर। अगर आपने एंटी थेफ्ट फीचर एंड्रॉइड 15 के अंदर इनेबल किया, और आपके कान से कोई फोन अचानक से तेज बाइक पर छीन के ले जाएगा ना, तो इस पे झटका लगेगा, जिससे जायरो सेंसर से ये पता कर पाएगा कि भाई आपके फोन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, किसी ने छीना है लगता है। तो यहाँ पर उस टाइम पर क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, आपका फोन वो रीसेट नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके फोन को हार्ड रीसेट करने की भी कोशिश करेगा, तो आसानी से अनलॉक नहीं कर पाएगा। बाकी गूगल लोकेशन से तो आप पता कर ही सकते हो कि आपका फोन कहाँ है, फिर वहां जाके तबियत सुकूटो से। बाकी हम हर किसी ने भाई अपने फोन को एज अ वेब कैम कनेक्ट करने की काफी कोशिश की है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, कुछ ने कर लिया, कुछ अनसक्सेसफुल भी हुए। तो गूगल ने कहा हम आपको सक्सेसफुल कराते हैं, पूरी डिग्री विग्री देंगे। बेसिकली इन्होंने एंड्रॉइड 15 के साथ ये ऑप्शन डाल दिया है, जैसे हम अपने फोन को कनेक्ट करेंगे वायर से, वहां पर ऑप्शन आते हैं ना डेटा ट्रांसफर वगैरह का, इसी तरीके से एक ऑप्शन एज अ वेबकैम यूज का भी आएगा, जिस पर क्लिक करते ही आप अपने फोन के बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा को एज अ 4K वेबकैम यूज कर सकते हो। तो अब हाई क्वालिटी में भाई 4K में मीटिंग ले सकते हो, अब बॉस से कोई बहाना नहीं चलेगा तुम लोगों का। जिनको क्या तकलीफ है भाई। अब एक यूट्यूबर्स के लिए एक दुखद चीज बता देता हूँ, पहले से साइड कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब भी कोई बग वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर काफी बार मैसेज आ जाते हैं, जैसे बैंक बैलेंस आ गया, हालांकि हमारे तो 0 चल रहा है, जैसे बैंक बैलेंस आ गया, OTP आ गया, कोई पर्सनल मैसेज आ गया, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो भी रिकॉर्ड हो जाता था। तो हम भाई फिर से रिकॉर्ड करते थे स्क्रीन को, फिर वो बग आए ना आए तो वो दिक्कत हो जाती थी। तो अब गूगल ने, मेरे को लगता है, हम क्रिएटर्स की सुन लिया है यहाँ पर। आप किसी पर्टिकुलर ऐप के इंटरफेस को रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर चाहे वहां मैसेज आए, पूरा पत्र निकल कर आए, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ भाई ऐप को ही ये रिकॉर्ड करेगा। और ये भाई एज ए क्रिएटर मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोगों की लाइफ में भी थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट डालेगा ही है कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये वाला फीचर भी काफी यूजफुल है। अब एंड्रॉइड मतलब जैसे आजादी, मल्टीटास्किंग, भाई एप्पल को तो पता ही नहीं मल्टीटास्किंग क्या होता है। जिस डिक्शनरी में मल्टीटास्किंग लिखा था, पन्ना ही फाड़ कर फेंक दिया इन्होंने। जैसे कि यहाँ पर आप स्प्लिट स्क्रीन अगर यूज करते हो दो एप्लीकेशन को एट अ सेम टाइम, जैसे कि गूगल और यूट्यूब को मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो आप अब इनको भाई सेव भी कर सकते हो, मतलब सेव एज अ पेयर, और इसे सेव करने के बाद ये आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में भी जाकर अगर टैप करोगे तो ये दोनों एक साथ खुलेंगी। तो ये मेरे को फीचर काफी ज्यादा एसेसेबल लगा है। अब एक बात मेरे को काफी अच्छी लगी, लाइक एप्पल की तरह गूगल भी काफी ज्यादा फोकस कर रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर। बेसिकली इनको अब ये सारा जानना है, कौन सी एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड डेटा उठा रही है, क्या थ्रेट पहुंचाएगी आपके फोन को, कौन सी मैलिशियस ऐप है। और जब ये सारी चीजें लगती है ना, तो आपके फोन के बैटरी बैकअप की भी लग जाती है। बेसिकली वहां पर बैटरी बैकअप काफी खराब हो जाता है, और आपको तो प्रॉब्लम होगी, वो तो एक बात है ही अलग। तो यहाँ पर अभी गूगल ने इनको लेकर भी कुछ भाई सेफ्टी फीचर ऐड करे हैं। जैसे कि आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे या उसका वर्जन को अपडेट करोगे ना, तो वो लाइव थ्रेट डिटेक्शन से होके गुजरेगी, जिससे पता लग जाएगा कि ये आपके फोन को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, अगर पहुंचाएगी तो वहां पर आपको वार्निंग अलर्ट मिल जाएगा। तो आप सोच रहे हो भाई
गूगल ने फिर ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे क्यों डाली, वो तो पहले गूगल कर सकता था। तो यहाँ पर बेसिकली ऐप स्टार्टिंग में तो स्कैन करी गूगल ने, लेकिन जब उसकी कोई अपडेट आई उसके बाद शायद थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो इस चीज को सियोरिटी लेने के लिए गूगल ने लाइव थ्रेट डिटेक्शन को लॉन्च करा है, और मेरे हिसाब से काफी ज्यादा यूजफुल फीचर भी है। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में चल रही है और फालतू का डेटा ले रही है, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करेगा गूगल। उससे क्या होगा, आपका बैटरी बैकअप बचेगा, आपकी सेफ्टी बचेगी फोन की, और आपके फोन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो अलग। ऐसे अगर आपकी भी नॉलेज इंप्रूव हो रही हो तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी तरीके से एक ऐप आर्काइव मोड भी इन्होंने इनेबल करा है। बेसिकली मैंने अपने फोन के अंदर मानो 50 एप्लीकेशन डाली हुई है, यूज में 10 ही कर रहा हूं, और 2-3 महीने तक मैंने भाई 10 एप्लीकेशन यूज करी, बाकी की नहीं करी। तो ये क्या करेगा, उनको आर्काइव में ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा, वो एक तरीके से हाइबरनेशन मोड में लग जाएंगी और कोई भी बैकग्राउंड में आपका थ्रेड रन नहीं होगा, जिससे अगेन बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और रैम मैनेजमेंट भी बेटर रहेगा उस टाइम भी, क्योंकि वो रैम के अंदर नहीं जा रही एप्लीकेशन। और जब भी आपको यूज करनी हो वहां पर जाके इनेबल करो और यूज करो मस्त। तो ये वाला फीचर भी काफी यूजफुल है। तो आजकल भाई स्कैम कॉल बहुत आ रही है, हमें पता पाकिस्तान का नंबर है, फिर भी कहेंगे भाई हमने आपके लोंडे को रायपुर में धरा हुआ है। अब पहले पूछ लेते हैं कि तुम्हारा लड़का काम का कर रहा है, उसके बाद करते हैं स्कैम। अब इन चीजों का तो मैं पता है कि ये स्कैम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कॉल होती है जो कि आपसे बात करते करते आपका सारा डेटा खींच लेते हैं, लाखों की चपत लग जाती है। इस तरीके के जितने भी कांड होते हैं ना, वो ऐसे एरिया के अंदर होते हैं जहां पर नेटवर्क इनक्रिप्टेड नहीं होता। तो गूगल ने इससे बचने के लिए भी सेटिंग्स डाल दी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। बेसिकली इन्होंने क्या करा, इस सेटिंग्स को जैसे आप इनेबल कर दोगे और आप कोई ऐसे एरिया में हो जहां पर इनक्रिप्टेड नेटवर्क नहीं है, तो ना आपको कॉल आएगी ना आपको मैसेज आएगा, जिससे आप स्कैम से तो बच सकते हो। बट मेरे को ये लगता है कि भाई अभी हमें कॉल और मैसेजेस नहीं आते, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद ऐसा ना हो कि फोन साइड रखना पड़े, डैडी हो जाए। बात तो सही है। अब ऐसे फोन जो भाई एंड्रॉइड के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, मतलब हार्डवेयर है बेसिकली, उसमें भी सॉफ्टवेयर नहीं मिलता था, तो एंड्रॉइड 15 के साथ आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलेगा लाइक एप्पल। अब भाई ये वाला फीचर ना एक्चुअली काफी यूजफुल है। जैसे कि अभी मैं निखिल भाई के ब्लॉग देख रहा था, वो कुछ ऐसे एरिया में थे जहां पर कुछ टाइम तक नेटवर्क ही नहीं आए, तो उनके पास एक नोटिफिकेशन आई कि आप सैटेलाइट का यूज करते हो अपने घर पर मैसेज सेंड करना चाहोगे, और उन्होंने मैसेज सेंड किया। तो भाई ये फीचर्स कुछ यूजफुल है काफी एक ऐसे एरिया पर जहां पर नेटवर्क नहीं मिलते। तो देखते हैं इंडिया के अंदर भाई ये वाली सेटिंग्स इनेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि एप्पल ने तो भाई इंडिया के अंदर नहीं की हुई। बाकी हर एक यूआई के पास अपडेट के बाद कुछ छोटे छोटे चेंजेस तो आते ही हैं, यहाँ पर भी काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं। जैसे कि अगर आप एक गूगल पिक्सल यूजर हो, तो यहाँ पर जब भी आप वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे, ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे ना, तो भाई जैसे कि वन प्लस के अंदर हैप्टिक मोटर काम करती है ना, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आपको हैप्टिक ज्यादा तेज मिलेंगे, कम होगा तो वाइब्रेशन कम होती चली जाएगी, तो वो वाला फील यहाँ पर भी मिलेगा और काफी अच्छा मिल रहा है भाई बीटा वर्जन 2 के साथ। इसके अलावा जो वॉल्यूम कंट्रोल पैनल है, मतलब उसका जो इंटरफेस है, वो काफी ज्यादा बेटर कर दिया है, मेरे को काफी फ्यूचरिस्टिक लगा है। साथ ही एक एडेप्टिव वाइब्रेशन भी है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने एक हार्ड सरफेस पर अपने फोन को रखा है, कॉल आ रही है, काफी बार बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आती है, काफी इरिटेशन होती है, और वहीं पर मैंने अपने फोन को सोफे पर रखा है, तो वहां पर वाइब्रेशन इतनी कम लगेगी, काफी बार मेरी कॉल भी छूटी है। तो अब इससे बचने के लिए एडेप्टिव वाइब्रेशन है, बेसिकली टेबल पर रखा हुआ है तो डिटेक्ट कर लेगा हार्ड सरफेस पर है थोड़ी कम वाइब्रेशन फेंकता हो, और जैसे कि भाई सोफे पर रखा वहां पर थोड़ी सी ज्यादा वाइब्रेशन देगा, जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि कोई कॉल या मेरे को मैसेज आया। बाकी विजिट को अब भाई लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर खींच के लाने की जरूरत नहीं है, सेटिंग्स में जाके सिंगल एक टैप में ऐड पर जैसे क्लिक करोगे होम स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हो और बार-बार आपको सजेस्ट हो रही है, आप नहीं चाहते कि मेरे को सजेस्ट करे, तो इस पे लॉन्ग प्रेस करके आप डोंट सजेस्ट ऐप कर दो, फिर वो गायब हो जाएगी। बाकी ब्लूटूथ के अंदर भी एक ऑटोमेटिक मोड डाला है, मानो कि मैं रात को सोया हूं, मेरे को ब्लूटूथ ऑफ करना, लेकिन सुबह जैसे मैं उठूं तो भाई कनेक्ट मिले, मेरी वॉच से, मेरे लैपटॉप से पूरा फोन कनेक्ट हो, तो यहां पर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दो, जैसे ही आप उठोगे आपका फोन कनेक्ट मिलेगा आपकी वॉच वगैरह से। बाकी बैक एनिमेशन भी भाई काफी अच्छी लगी है मेरे को, जैसे ही आप बैक करोगे तो आपको प्रीव्यू दिख जाता है कि पीछे क्या है इसके। तो इस वनीला आइसक्रीम में इतना ही स्वाद था, मतलब एंड्रॉइड 15 में कुछ इतने ही नए फीचर थे। बाकी एआई की वीडियो हम अलग से लाएंगे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के बारे में बताना आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई फीचर ज्यादा अच्छा लगा है तो वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और ऐसी एक वीडियो भाई एप्पल देवता मतलब iOS पर चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्द कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, फिर स्टे ट्यून्ड विद एचएफबीएन बॉक्स गाइस।